हे गाइस, दिस इज अमन एंड आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली जो क्वेश्चन है ना आपके ट्राइंगल चैप्टर में, जो आपका एक्सरसाइज है 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो बेसिकली आपके पास कोई लैडर है, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ऑब्वियसली लैडर यानी कि सीढ़ी आपके पास, तो लगाओगे तो कैसे लगाओगे? ऑब्वियसली आप सीधा तो नहीं लगा पाओगे, तो आप टेढ़ा ही लगाओगे, तो किसी दीवार का सहारा लोगे। दीवार के पास कुछ विंडो है, ठीक है, और विंडो की जो आपकी लाइक नीचे से जो यानी कि जो आपका ग्राउंड से जो कि हाइट है ना, वो 8 मीटर एबव द ग्राउंड दे रखा है। यानी कि विंडो की हाइट कितनी दे रखी है? 8 मीटर, बहुत बढ़िया। और लैडर की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। और पूछ रखा है, ऑब्वियसली आपने जो कुछ लैडर ऐसे रखा है और आपका जो दीवार है ऑब्वियसली वो ऐसे होगा, तो बीच का आपका लेंथ रखा है। दैट मींस अगर थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करना चाहे तो इस प्रकार कर पाएंगे। यहाँ पे मान लो कुछ आपका विंडो है, ठीक है, यहाँ पे विंडो है, इसका लेंथ कितना दे रखा है? इसका लेंथ कुछ दे रखा है आपका 8 मीटर, 8 मीटर एबव द ग्राउंड, बहुत बढ़िया। अब यार लैडर आपने लगाया है, तो लैडर में क्या करता हूँ, ऊपर से लगा देता हूँ, ठीक है। लैडर जैसे ही ऊपर से लगाया तो कितना उसका लेंथ है? 10 मीटर, बहुत बढ़िया। लैडर का लेंथ 10 मीटर। अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बन गया। हाँ जी, बन गया। नाम कुछ दे देते हैं, तो नाम कुछ दे देते हैं, चलो ए बी सी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यार इसका लेंथ 8 मीटर है, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका विंडो है। हाँ, विंडो है, इट्स विंडो, ओके, ये आपका विंडो है 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, या फिर बोलो एबव द ग्राउंड, और 10 मीटर का आपका लैडर है। और पूछ रखा है इसका जो बेसिकली बेस यानी कि आपका नीचे से इसका डिस्टेंस पूछ रखा है, लैडर का जो आपका नीचे वाला कॉर्नर है वहां से आपका पूछ रखा है। बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ, कैसे निकालेंगे यार? बेसिकली बताओ, कभी भी यार जो दीवार होता है वो तो 90 डिग्री होता है ना फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, तो बेसिकली ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो बेसिकली ए बी सी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही दिखे तो वहाँ पे पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे? According to Pythagoras क्या होता है? Hypotenuse square is equal to the sum of the base square and plus the perpendicular square, यही होता है। हाँ जी, तो लिख सकते हैं। क्या लिख पाएंगे यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा क्या? BC square is equal to हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बराबर क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है? ए बी है, तो ए बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपका जो हाइट, हाइट यहाँ पे क्या है? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको निकालना क्या है? ए बी निकालना है, तो चलो ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, इसको इधर फेंको, क्या आ जाएगा आपके पास? बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ, हटा देते हैं, इसको रूट में डाल देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी सी की वैल्यू पता है हमें? हाँ जी पता है। बी सी कितनी है आपकी? बी सी आपके पास 10 है, चलो 10 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो बेसिकली 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये अंडर रूट है, बहुत बढ़िया। यहाँ से आप क्या कर पाएंगे? ये आपका 100 है, हाँ जी 100 है, और ये माइनस ऑफ क्या? 64, ठीक है, अंडर रूट में है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से क्या गया? 36, ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ 36, ठीक है। यहाँ से आपको पता है वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 6। प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं आपको पता होगा कि प्लस भी लेते हैं माइनस भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ए बी है वो क्या है? ए बी बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका? लेंथ है। लेंथ कभी भी निगेटिव होता है? नहीं होता। तो बेसिकली आप कुछ नहीं लिख के सीधा 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैथमेटिकली अगर आपको बोला जाए कि रूट के अंदर से कुछ निकालते हैं तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है, ठीक है। तो आंसर इज लाइक 6 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली यार आपका जो फुट से लैडर का जो बेसिकली जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ द वॉल से जो लैडर का जो फुट होगा वो कितना डिस्टेंस का होगा? तो 6 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना आ गया आपका? ये बेसिकली आ गया 6 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो गया। बस यार हमने यहाँ पे क्या किया, जो आपका पाइथागोरस थ्योरम का जो क्राइटेरिया होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, तो आसानी से हो गया। और यार मैंने और भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है, इवन पहले के भी, तो आप बिल्कुल से जाके देखिए, ठीक है। और मैंने पूरा एक्सरसाइज भी एक वीडियो में करके बताया हुआ है, ठीक है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए यार सी, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, बाय।